नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूँ। आज मैं आपको पर्सनल लाइफ की तीन क्रांतिकारी सलाह देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जिसका घर अच्छा होगा, जिसके घर में सुकून होगा, जिसके घर में प्रेम और सम्मान होगा, वो व्यापार में जरूर तरक्की करेगा। तो तीन सलाह सबसे बड़ी जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, ये सलाह आपको एक शानदार इंसान के रूप में स्थापित करेगी। तो सलाह नंबर एक, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपने माता पिता का सम्मान करिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपका बिजनेस कम जा रहा हो, आपका बिजनेस ज़्यादा जा रहा हो, आपने उनसे ज़्यादा तरक्की कर ली हो, आपने उनसे कम तरक्की की हो, आपका उनसे विवाद होता हो, आपका उनसे ओपिनियन नहीं मिलती हो, वो आपके में हस्तक्षेप करते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जिन्होंने आपका जन्म किया है उनका आप सम्मान करिए। मैं ये नहीं कहता उनकी बात मानिए, बात मानने में तर्क शक्ति का इस्तेमाल करिए, बात मानने में स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करिए, बात मानने में राइट और रॉन्ग के लॉजिक के अनुसार चलिए, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, भले उनकी और आपकी राय अलग क्यों ना हो, अपमान मत कीजिए, उनको छोटा मत बनाइए, उनको इग्नोर मत कीजिए, बल्कि ये कहिए मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ, मैं आज जो भी कर रहा हूँ वो आपकी वजह से हूँ। तो क्रांतिकारी सलाह पर्सनल रिलेशनशिप की नंबर वन, चाहे कुछ भी हो जाए अपने माँ बाप का अपमान मत करिए। क्रांतिकारी सलाह नंबर दो, जब बच्चों का पालन करने की बात हो तो कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अपनी क्षमता के अनुसार उनको सर्वश्रेष्ठ स्कूल में भेजिए, अपनी क्षमता के अनुसार उनको सर्वश्रेष्ठ कोचिंग, सर्वश्रेष्ठ ट्यूशन, सर्वश्रेष्ठ हॉबी क्लासेस में भेजिए। वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज मत करिए, वहाँ पर कंजूसी मत करिए, वहाँ पर थोड़ा आप स्ट्रेस करिए, भले आप किराए के घर में रह लें, लेकिन बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अपनी सामर्थ्य देखिए और देखिए, भले दूर क्यों ना हो, भले 10, 20, 30, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़े, लेकिन जरा भी अपनी सामर्थ्य है तो वहाँ कंजूसी मत करिए। ये मत देखिए कि ये बजट में हो जाए, वो बजट में हो जाए, यदि सामर्थ्य है तो बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट कीजिए, क्योंकि पूरी लाइफ में वन टाइम डेवलप होने वाली प्रॉपर्टी यही है। बाकी घर कई बना सकते हो, कई गाड़ियाँ खरीद सकते हो, कई बार विदेश जा सकते हो, आज नहीं गए बाद में जा सकते हो, लेकिन बच्चों को बार बार आप बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए अपने बच्चों के लालन पालन में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कंपटीशन से नहीं, उनके पालन पोषण में विजन से चलिए। दूसरों से ब्लाइंड कंपटीशन मत करिए, लेकिन एक विजन पे जाने के लिए जितनी सुविधाएं आप दे सकते हैं, जितना बेस्ट एक्सपोजर आप दे सकते हैं, जितनी बेस्ट फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी ताकत में है, वो आप जरूर दीजिए। क्रांतिकारी सलाह नंबर दो, बच्चों के लालन पालन में हमेशा विजन लेकर चलिए, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। पर्सनल रिलेशनशिप की क्रांतिकारी सलाह नंबर तीन, यदि आप समर्थ हैं और परिवार के दूसरे मेंबर समर्थ नहीं हैं, तो जहां तक क्षमता हो उनकी मदद कर दीजिए। और मदद करते समय ये गोल्ड रूल ध्यान रखना, वापसी का एक्सपेक्टेशन मत रखना। ऊपर वाला उनको सामर्थ्य देता है जो दूसरों की मदद कर सकते हैं, ऊपर वाला उनकी जेब भरता है जिनकी जेबें दूसरों के लिए खुलती है, जिनके दिल दूसरों के लिए खुलते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके परिवार के, आपके भाई बंधु, आपके चाचा काका बाबा, आपके बचपन के कुछ दोस्त, उनको अपनी सामर्थ्य में थोड़ी थोड़ी मदद करते रहिए। दूर दूर बहुत सारे मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गिरजाघर बनाएंगे, जो बनाएंगे वो आप बनाते बैठिए, लेकिन याद रखिए अपने नियर एंड डियर लोगों की मदद करते रहिए। इसको मैं एक कदम आगे ले जाकर ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपके कोई क्लोज स्टाफ हो जो आपके फैमिली मेंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दान करने के पहले थोड़ा सा उस स्टाफ की मदद कर दीजिए। यदि उसकी बेटी की शादी हो तो कन्यादान का एक हिस्सा आप कर दीजिए। यदि वो मकान बना रहा हो तो थोड़ा सा उस मकान में आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए। यदि वो गाड़ी ले रहा हो तो थोड़े से गाड़ी में आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए। और यदि वो अपने बच्चे की शिक्षा करा रहा हो और उसका बच्चा ब्रिलियंट हो, तो जितनी जिम्मेदारी हो सकता है उठा लीजिए, क्योंकि वो भी आपके परिवार का सदस्य है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिसमें दम हो उसी को ही ये प्रकृति और देती है, जिसमें दम होता है उसी को ईश्वर और देता है, और जो दूसरों को देता है उसका अपना घड़ा हमेशा लबालब होता है। तो मैं तीसरी क्रांतिकारी सलाह फिर से दोहराता हूँ, यदि आप समर्थ हैं, यदि आप कैपेबल हैं, यदि आप रिच हैं, यदि आप समृद्ध हैं, यदि आपका नेटवर्क है, यदि आपके पास पावर है, और आप यदि दूसरों की मदद कर सकते हैं,
तो थोड़ी थोड़ी मदद करने के लिए लगातार हाथ खोल के रखे रहिए। और बिल्कुल याद रखना, अपने नियर एंड डियर की मदद करने के बाद वापसी की उम्मीद मत रखना। प्रॉब्लम किसी को हेल्प करना नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब उस हेल्प के बदले हम एग्जैक्टली उससे रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। क्योंकि जब आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो वो रिलेशन नहीं होता, वो बिजनेस होता है, वो लेन देन होता है और अपनों से व्यापार नहीं किया जाता। तो यदि आपको देने की क्षमता ऊपर वाले ने दी है ना, उसका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उसने आपको काबिल बना के भेजा है। साथियों, इस शो को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कमेंट्स के रूप में अपने विचार जरूर दीजिए। यदि पर्सनल जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो VIP नाम का हमारा प्रोग्राम जहां भी हो वो ज्वाइन करिए। वो इस वक्त दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, रायपुर में, अनेक शहरों में हो रहा है। तो आप कमेंट करेंगे, आप इनको नियर एंड डियर से शेयर करेंगे, आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप बेल आइकन दबाएंगे। इतनी उम्मीद है आपसे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।